खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट इट राइट। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट इन टच विद मी। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू कैन जस्ट फॉलो मी एंड डायरेक्ट मैसेज मी। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ एंड नो मैसेज गोज विदाउट अ रिप्लाई। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे तो डू शूट मी डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सी यू देयर। और आज हम बात कर रहे हैं फैट बर्नर्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है फैट बर्नर्स के ऊपर और उस पर करीब करीब 40,000 के आसपास व्यूज है इस वक्त। और उसमें मैंने बोला था, एक्चुअली उसमें मैंने एक फैट बर्नर का रिव्यू किया था और मैंने बोला था व्हाट आई थिंक अबाउट फैट बर्नर्स राइट। और ये आज तक का मेरा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज जनरली मेरे वीडियोस पर लाइक टू डिसलाइक रेशियो जो होता है दैट इज 90% लाइक्स एंड 10% डिसलाइक्स। बट इस वीडियो में कहानी अलग है। इस वीडियो में इस पे 300 डिसलाइक्स हैं और 350 लाइक्स हैं राइट। सो दैट टेल्स मी कि इस टॉपिक पर आधे लोग मानते हैं जो मैं कहता हूं कि फैट बर्नर्स डोंट वर्क, और आधे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं गलत हूं एंड फैट बर्नर्स दे वर्क राइट। अब जनरली इट डजंट बॉदर मी यार, एवरीवन्स एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन, उनका खुद का ओपिनियन है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। अब मैं जब ओवरवेट हुआ करता था, मैंने हर एक चीज की हुई है, मैंने फैट बर्नर्स भी लिए हुए हैं राइट। सो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी स्टडी, मेरा रिसर्च कहता है कि फैट बर्नर्स डोंट वर्क। बट लेट अस टॉक, अब ये जो वीडियो है इस पर बहुत सारी कमेंट्स आती है, बहुत सारे लोग अग्री करते हैं कमेंट्स में कि हाँ यार आप सही बोल रहे हैं, आपने पैसे बचाए हमारे, मैं फैट बर्नर लेने वाला था बट बिकॉज आपका वीडियो देखा मैंने, अब मैंने नहीं लिए। फिर कुछ एक कैटेगरी डिफरेंट है जो कहती है कि नहीं यार यू आर रॉन्ग, फैट बर्नर्स वर्क। अब एज आई सेड, हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है राइट। मैं अपना ओपिनियन फिर से बताने वाला हूं। मैंने एक कमेंट पढ़ा तब मैंने डिसाइड किया कि यार ये मैं वीडियो करता हूं। आज वीडियो में कोई और करने वाला था बट आई रेड दिस कमेंट एंड देन मैंने डिसाइड किया कि यार ये वीडियो बनना चाहिए आज। सो ये कार्तिकेयन एम जी इनकी कमेंट है कि फैट बर्नर्स मे और मे नॉट वर्क, यानी ये क्लेम नहीं कर रहे कि फैट बर्नर्स काम करते हैं या नहीं करते, दैट इज सब्जेक्टिव। बट इनका कहना है कि अगर आप फैट बर्नर लेते हैं राइट, और वो आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है, साइकोलॉजिकल पुश देता है कि आप अपना डाइट जो है वो उसमें डिसिप्लिन हो जाए। बेसिक कहना इनका ये है कि अगर आप फैट बर्नर लेना चालू करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग कि फैट बर्नर काम कर रहा है, आप अपने डाइट पर भी ध्यान देना चालू करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? ये इसका मतलब तो ये है कि फैट बर्नर्स दे वर्क राइट। कार्तिकेयन, इसमें बुरा कुछ नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं, मेरे YouTube एनालिटिक्स जो है ना, उसमें मुझे पता चलता है कि मेरे जो मेन ऑडियंस है दैट इज बिटवीन 16 इयर्स टू 26 इयर्स राइट। सो दे आर काइंड ऑफ बिगिनर्स और स्टार्टिंग आउट या इंटरमीडिएट स्टेज में है वो राइट। एंड अगर आपकी बात मैं मानकर इनको बोलूं कि हाँ भाई फैट बर्नर इस तरह से काम करता है कि आप फैट बर्नर्स लेंगे, भले उसमें कुछ ना हो, भले वो काम ना करता हो राइट, बट आप फैट बर्नर लेंगे, वो पैसा खर्च करेंगे तो आपको उसकी कद्र होगी और इसीलिए आप डाइट पे ध्यान देंगे, डिसिप्लिन होंगे और वर्कआउट करेंगे। मैं ये एडवाइस नहीं कर सकता बिकॉज माई जॉब इज टू हेल्प देम, माई जॉब इज टू एजुकेट देम राइट, बिना उनकी जेब में गड्ढा किए। अगर मैं उनको बोलूं कि यार फैट बर्नर्स काम नहीं करते पर फिर भी आप खरीदो क्योंकि आप वो लोगे तो आपको कदर होगी अपनी पैसे की और आप अपना डाइट ठीक करेंगे राइट, दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। मैं उनको ये नहीं बोल सकता। सो फैट बर्नर्स अकॉर्डिंग टू यू मे वर्क, आपके पास होंगे वो 1,000-2,000 रुपए वो खर्च करके फील करने के लिए कि आपको डाइट ठीक करना है। मैं जनरली लोगों को यही बोलूंगा कि भाई साहब जितना सस्ते में, जितना कम बजट में आप अपनी फिटनेस, अपना डाइट ले सकते हो, डिसिप्लिन हो सकते हो, अच्छी फिटनेस लेवल अचीव कर सकते हो, वो करो राइट। सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू आर प्रिविलेज्ड टू यू नो थ्रो सम मनी एंड देन गो ऑन अ डाइट, कि ये फैट बर्नर खरीद के फिर डाइट पे जाएंगे। आपको पता है करना यही है, अगर आप एक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है तो आप कोई भी फैट बर्नर ले लो। अब मैं दो सिनेरियोस देता हूं आपको राइट, दो सिचुएशंस, अगर आपको लगता है गलत है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है अगर, तो आप दुनिया का कोई भी फैट बर्नर ले लीजिए, वो काम नहीं करेगा। ये होगी एक सिचुएशन, आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है, आपका दुनिया का कोई भी फैट बर्नर काम नहीं करेगा राइट। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में है राइट,
तो आप वेट लूज करेंगे चाहे आप फैट बर्नर लें या ना लें. सो डज दैट टेल यू समथिंग? कैलोरिक डेफिसिट इज व्हाट मेक्स यू लूज वेट, नॉट अ स्टूपिड फैट बर्नर. राइट, आई रेस्ट माय केस. कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन नहीं करेंगे दुनिया का कोई फैट बर्नर आपको हेल्प नहीं कर सकता वेट लॉस करने में. और अगर कैलोरिक डेफिसिट आप मेंटेन कर रहे हैं यू लूज वेट रिगार्डलेस कि आप फैट बर्नर ले रहे हैं या नहीं ले रहे. अब चलिए ये बात तो होगी कि कैलोरिक डेफिसिट अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कैलोरिक डेफिसिट में नहीं खा रहे, यू वोंट लूज वेट. की बात मैं फैट बर्नर्स की बात कर रहा हूं जो सेफ फैट बर्नर्स हैं, जिन फैट बर्नर्स में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कैफीन होता है, गार्सिनिया कंबोजिया और ऐसी चीजें होती है विच आर हार्मलेस, कम अज कम नुकसान नहीं होता आपको. राइट, मैक्सिमम ये होता है कि आपकी स्लीप साइकिल जो है बिकॉज उसमें एडिशनल कैफीन होता है आपकी स्लीप साइकिल पे वो अफेक्ट डालता है, पहली बात ये. दूसरे जो फैट बर्नर्स जो एक्चुअली शायद काम करते हैं वो भी कंक्लूसिव नहीं है. राइट, वो भी कंक्लूसिव नहीं है, बट हाँ कुछ फैट बर्नर्स शायद काम करते हो, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करता बिकॉज दे आर डेंजरस. राइट, मैं दो या तीन फैट बर्नर्स ऐसे जानता हूं जो एक्चुअली काम करते हो सकते हैं. राइट, एक है ब्लैक मांबा, एक है ब्लैक विडो और तीसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ये फैट बर्नर्स इन्हें पोटेंशियली शायद काम करते हो बट दे आर डेंजरस. क्यों? उनमें होता है एफेड्रा, एंड एफेड्रा एक डेंजरस सब्सटेंस है. इतना डेंजरस है कि इट्स बैंड इन द यूएस, यूके एंड मोस्ट ऑफ एशिया, राइट, इंक्लूडिंग इंडिया. अब ये बैंड है तो क्यों? बिकॉज इसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं. राइट, एफेड्रा गिव्स यू एंग्जाइटी, आप एंशियस फील करेंगे जब आप वो लेंगे. राइट, आपकी हार्ट बीट एकदम से रेस कर देता है वो unnaturally and which is dangerous, right? It messes up with your sleep cycle. Guys, sleep is very important. अगर आप weight loss करना चाहते हैं, muscle gain करना चाहते हैं, जो भी आपका goal है, नींद बहुत important है और ephedra directly interrupt करता है आपकी sleep cycle. चौथी चीज, you'll feel nervous, right? ये कुछ side effects हैं. And पांचवी चीज ये है कि a lot of people have died, right? एफेड्रा लेते हुए बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है. दैट इज द रीजन इट्स बैंड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज. ओके, सो मैं ये वाले फैट बर्नर्स रेकमेंड ही नहीं करता, दूसरा तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि काम नहीं करता. तो इन शॉर्ट आपको करना ये है फैट लूज करने के लिए, यू हैव टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट. दैट इज वन सिंपल एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लूज वेट. राइट, और फैट, फैट बर्नर्स एज आई ऑलवेज से दे आर बुलशिट, आपको प्लसीबो इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं देते हैं. और प्लसीबो इफेक्ट के लिए 2000 रुपए यार यंगस्टर के पास नहीं होते. मैं यंगस्टर्स के लिए बनाता हूँ वीडियोस, राइट, उनके पास नहीं होते 2500-2500 रुपए खर्च करने के लिए. सो स्टॉप टेलिंग मी ऑल दिस कि यार वो आप लेते हैं और आपको फील होता है कि यार आपको करना चाहिए वो डाइट कंट्रोल एंड वर्कआउट. डोंट टेल मी ऑल दिस बुलशिट. इफ यू आर वीक विल्ड आप वेट लूज नहीं करेंगे. अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आपको फैट बर्नर्स की जरूरत नहीं है. यू विल वर्क हार्ड बिकॉज देर आर नो शॉर्टकट्स. राइट, so this is what I had to say guys. So fat burners, they don't work. That's it guys, this was the video. I hope this video helps. I hope you like the video. और आपके likes और dislikes से मुझे पता चल जाएगा कि यार exactly ये video आपको ठीक लगा, जो मैंने बोला वो सही लगा कि गलत लगा. Right, so this is all I had to say about fat burners. I hope you like it and I hope कि ये video पिछले वाले video से थोड़ा सा कम controversial होगा. So that's it guys, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज़ वी आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मेंस लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट, राइट? एंड होप टू सी यू ऑन द अदर एंड. इन द मीनवाइल दिस इज वीके साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर. यार फैट बर्नर्स आर बुलशिट, देयर इज नो स्टडीज दैट शो दीस थिंग्स वर्क, देयर इज नो एविडेंस दैट शोस दैट दिस वर्क्स. सी इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग, लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू मैन दिस विल वर्क फॉर मी और दैट विल वर्क फॉर मी, आई लॉस्ट दिस मच वेट, दैट मच वेट. A lot of people will say that. I'll tell you what. Just rethink what you did. Let's say your shipment arrived. This fat burner arrived. Okay. On that same day, what you started doing this. Like you started taking these fat burners. Number one. And you wanted to lose weight. And you wanted to lose it fast. Right. So to propel that fat loss. What you did is you went on a clean diet. And in a few days, you got results. Yeah, this was working for you. This fat burner was working for you, right? So, fat burner and clean diet. You did it for a few days. And you lost some weight, yes. You were motivated. Then you started working out. Then you lost more weight.
So the combination was awesome. Like fat burners, clean diet, and exercise. And you lost what? 10 kg, right? Yes, you lost 10 kg. But that was not because of this nonsense. That was because you went on a clean diet, because you want to lose fat faster. You went on a clean diet, you started working out, you lost 10 kg. Wow, magic pills work. Give yourself some credit, guys. You lost the weight because of your hard work, your exercise routine and clean diet. This shit had nothing to do with that. Simple. Give yourself some credit. Save yourself some money.